अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलें तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल सहरी से। लेकिन आज की जो सहरी है ना, हम बाहर कर रहे हैं और ये लास्ट सहरी है, आपको तो पता है। और ये मेरी ज़िंदगी की फ़र्स्ट सहरी है जो कि मैं बाहर कर रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी बाहर सहरी नहीं की। असल में ना, हम शॉपिंग पर गए थे तो हमने सोचा कि वापसी में जो है हम चले जाएँगे सहरी पर, क्योंकि टाइमिंग्स ना इनके बहुत ही अच्छे हुए हुए थे। तो बस हम यहाँ पर आए और हमने सहरी वगैरह की, बहुत मज़े की थी और अच्छे से जो है ना हमारा डिनर भी हो गया। कम सहरी, लाइक डिनर कम सहरी जो होता है ना, वो हमारा हो चुका है यहाँ पे। और बस मामा जो है वो बैठी हुई थी, वो कही थी तुम दोनों जाओ और बुफे से जो है ना मेरा ये सारा सामान लेके आओ, मैं नहीं जाऊँगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा रश थी आई वॉज लाइक कि हम तो नहीं जाते लेकिन लोग कितने जाते हैं। और फिर आपको पता है कि डिज़र्ट के बगैर तो मेरा गुजारा है नहीं, और फिर मामा वालों का चाय के बगैर नहीं है। हमें लाइक नहीं पता था यहाँ पे चाय, लेकिन चाय नज़र आ गई तो मैंने सोचा कि हम लेके आते हैं मामा के लिए भी। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह नहीं मिली क्योंकि बहुत ही मैस था। हम बस वापस आ गए और यहाँ पे देखें हो गया है घर आने का टाइम। और जब घर आए तो फिर घर आके सहरी भी बना दी, वो सारी चीज़ें हो गई। अभी सुबह हो गई है, अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर आरफा के पास क्योंकि हमने जो है ना आज हार्ट रिफ्रेशल करवाना था। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया। अच्छा अभी आपको मेरी आवाज़ देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। और आज का जो मैंने दिन गुजारा है ना, ईद पे मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, इतना ज़्यादा हेक्टिक था, इतने काम थे और साथ में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये तबीयत मेरी चांद रात से ही ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, तो पता नहीं क्या वायरल हो गया है कुछ, मुझे नहीं पता। यहाँ पर देखे, यहाँ पर LED मास्क मुझे लगा हुआ था। और आई एम सॉरी आपको टाइम पर ब्लॉग नहीं मिला क्योंकि मेरी हालत आपके सामने है। और यहाँ पे देखें, हम बस हाइड्रोफिशियल से फारिग हुए तो हमने इधर ही रोज़ा जो है ना खोल नहीं लिया था, गाड़ी में खुलने वाला था तो हमने जो है डेट्स ले ली थी। तो बस अभी देखें, ये है रमज़ान की आखिरी शाम, आखिरी इफ्तार जो कि मैंने रिकॉर्ड कर ली। मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था कि आज में भी हमारी जो है ना ये लास्ट इफ्तार हो, तो बस रास्ते में हमारा रोज़ा खुल गया। हम जैसे ही घर आए फिर हमने इफ्तार वगैरह की, और इफ्तार करने के बाद हम बैठे थे कि ईद होती है नहीं होती है। और जी देखिए, अचानक से यहाँ पर आ गया कि हमारी ईद हो चुकी है। और बस फिर हमने तैयारी वगैरह स्टार्ट कर दी। मैंने लड़के को बोला कि सबसे पहले मेरा रूम जो है ना वो क्लीन कर दो, और जो न्यू बेडशीट हम लेके आए थे वो जो है ना बस सेट कर दो उसको। तो बस यहाँ पे मैं ना बेडशीट सेलेक्ट कर रही थी कि मैं कौन सी वाली जो है ना इससे कहूँ कि वो लगा दे मेरे बेड पे। तो यहाँ पे मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी, तो बस ये जो है ना अभी देख रहा है कि कितने पिलोज हैं, चार है या नहीं है। तो फिर ये ना थोड़ी देर में कह रहा था कि बाजी इतने बड़े मतलब पिलोज क्यों आपने बनवाए हैं, इसमें तो ये बिल्कुल ढीले ढीले से फिटिंग ही नहीं आएगी। तो मैंने कहा जैसा भी है ना कर दो, अभी तो मैं दिन जाके इसको सेट करवाऊँगी ना। तो बस ये होता है, अभी हम जा रहे हैं बाहर और यहाँ पर मैं बस रेडी हो रही थी फॉर चांद रात क्योंकि हमें मेहंदी लगवानी थी। और जहाँ पर हम जाते हैं ना मारोज, वहाँ पर बहुत एक अच्छा सिस्टम बना होता है, हर कोई तैयार होके आता है, इतनी मज़े की चांद रात वाइब्स होती है ना, आप देखिएगा आगे। और बस यहाँ पे मैंने जो है ना अपने बालों पे थोड़ा सा पाउडर लगा दिया था क्योंकि मेरे बाल ना ऑयली हो गए थे, तो बस मैंने सारा पाउडर वगैरह लगाया, तो इससे ना आपके जो बालों में ऑयल होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ भी देखें जी, मैं हो रही हूँ तैयार फॉर चांद रात। मैंने सोचा आप लोगों के सामने ही तैयार होती हूँ, तो मैं आज कोई बेस, बीबी क्रीम कुछ भी नहीं लगाने वाली क्योंकि यहाँ पे बस जो है ना मैं हाइड्राफेशियल करवा के आई थी, तो मेकअप अलाउ नहीं है आपको पूरे 24 घंटे, लाइक मिनिमम 12 घंटे। और आप जो है मतलब आप फेस वॉश भी नहीं कर सकते, तो बस यहाँ पर वो सारा मुझे फेशियल लगा हुआ था। मैंने कहा अपनी आइज़ को थोड़ा सा लाइनर वगैरह लगा देती थोड़ी सी ना आंखों में जान आए तो ना एक दिखने जैसी प्रेजेंटेबल तो लगो ना। चांद रात है तो सब तैयार होते हैं वहाँ पे, तो बस मैंने जो है ना वो लगाए और अपनी अंडर आइज़ पे थोड़ा सा कंसीलर लगाया और टिंट लगाया चीक्स पे, लिप्स पे, और ना हल्का सा फिर उसके ऊपर थोड़ी सी लिपस्टिक भी ऐड कर दी ताकि ना एक अच्छा सा है। मैं मेकअप तो नहीं करी थी, मैंने कहा टिंट और लिपस्टिक से कुछ भी नहीं होता, बस मुझे ये था कि थोड़ी सी ना फ्रेश लुक आ जाए। और तो आप टिंट लगाते हैं, थोड़ा सा पिंक शेड लगाते हैं तो वैसे ही आप फ्रेश हो जाते हैं। तो अभी बस चलते हैं और यहाँ पे बस मेरी तैयारियाँ जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रही, एक के बाद एक। अभी जो है मस्कारा लगा रही हूँ क्योंकि मैंने कहा आइस पर तो कोई फेशियल नहीं हुआ ना, उनको तो मैं बना सकती हूँ ना। तो बस यहाँ पे मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ। अभी भी जो है मुझे था कि नहीं थोड़ा सा कुछ कर दूँ, अपने बालों को सीधा कर लूँ, हालाँकि सीधे थे। एक होता है ना कि आप जल्दी तैयार हो जाते हैं फिर आप सेटिस्फाई नहीं होते कि नहीं कुछ तो रहता है, कुछ तो है। तो बस मेरा भी यही सीन था। और
और फिर जी मुझे याद आया कि मैंने तो ज्वेलरी पहनी नहीं, वॉच वगैरह भी नहीं पहनी, फिर बस मैंने वॉच पहनी, ज्वेलरी, रिंग्स वगैरह पहनी, और फिर मैंने कहा बस जल्दी चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। और फिर से मुझे याद आया कि सब कुछ पहन लिया, टॉप्स तो पहने ही नहीं, फिर से मैंने जो है ना स्टड्स निकाले और वो जो है ना पहनना स्टार्ट कर दी। एंड फाइनली आई एम रेडी एंड रेडी टू लीव, और यहाँ पर मैंने अपने सैंडल्स भी पहन लिए। जैसे मैं नीचे आई तो मुझे हनी मिली, और हनी भी तैयार थी बिल्कुल झुमकियाँ वमकियाँ पहन के, फुल परफेक्ट जो है ना क्या कहते हैं चांद रात वाइब्स। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हनी को ड्रॉप किया, और उसके बाद हमने गजरे लिए, और ना बस यहाँ पे मुझे एक सीन याद आ रहा है, इतना कोई मज़े का सीन था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अब ये जो गजरे वाला था ना, ये एक औरत को जो गाड़ी में बैठी थी उससे लाइक लिटरली वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि बाजी एक गजरा ले ले, एक गजरा ले ले, मेरी बिल्कुल भी सेल नहीं हुई, आप नहीं लेंगी, टाइम बहुत हो गया है तो मेरा कौन लेगा। तो मैं ना ऐसे हेल्प करने के लिए नहीं, मैं वैसे ही लाइक हनी को जैसे मैंने ड्रॉप किया, मैंने कहा मम्मा देखो गजरे मिल रहे हैं, हम गजरे ले लेते हैं। तो मम्मा ने कहा कि अच्छा देखो कितने के दे रहा है, तो मैंने कहा भाई कितने का उसने मुझे दिया, तो उसके पास तीन थे स्टिक में, तो मैंने कहा भाई तीन ही दे दो, तो वो हैरान होकर मुझे देख रहा तीन ही दे दो, मैंने कहा हाँ तीनों दे दो, मैंने ऐसे ही अपने लिए लिया। तो उसने मुझे तीनों निकाल के दे दिए, और मैंने इतनी ज़्यादा बार्गेन वैसे नहीं कराई, तो मुझे ना वो इतना खुश हुआ, और वो उसके चेहरे पे जो सुकून जो स्माइल आ गई वो हो गया ना कि बस मेरी सेल हो गई, लाइक उनके लिए 500-600 बहुत है। तो आई वाज लाइक कि अल्लाह ताला कैसे मदद करता है। वहाँ पे वो जो है ना उस बंदी से कह रहा था कि एक ले लो भाई मेरी हेल्प कर दो, ये वो मैं ऊपर मतलब समझ आ रहा था, मैं इसको दूर से देख रही थी, और मैंने तो अपने मतलब मकसद के लिए लिए, मैंने हेल्प के लिए नहीं लिया। लेकिन फिर मुझे बाद में लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि भाई कितना जो है ना आप अल्लाह ताला ज़रिया बनाता है, और आप खुशकिस्मत होते हैं कि आप जो है ज़रिया बनते हैं अल्लाह के, और किसी की हेल्प हो जाती है इस तरह से, किसी की सेल हो जाती है। तो हैं तो ये छोटी छोटी बातें, मुझे नहीं पता मैं ज़रिया थी या नहीं थी, लेकिन ये बात मुझे ना बहुत हार्ट टचिंग लगी। और देखिए यहाँ पर चांद रात के लिए हम मारोज आ गए हैं, जिसकी मैं बात करी थी, बीच में हमारी ग्रॉसरी वगैरह भी हो गई, और यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा रश थी, एक एक लड़की के पास ना 3-4 लड़कियाँ बैठी थी मेहंदी लगवाने के लिए, तो मिनिमम 2 घंटे का वेट था। फिर फाइनली जो है ना मेरा वेट ख़त्म हुआ, और मेरी जो है ना बारी आ गई, और यहाँ पे देखिए हनी जो है अपनी फ्रेंड्स की पिक्चर निकाल रही है, यहाँ पे हनी और उसकी फ्रेंड्स की सबकी मेहंदी लग गई थी, बस मैं जो हूँ अब यहाँ पे मेरा बारी आ गई थी, तो बस मैंने कहा कि लगवा देती हूँ, और मुझे ना हल्की सी लगवानी थी, फिर हल्की सी लगवाऊँ क्या लगवाऊँ क्या नहीं, फिर वो बहुत हल्की हो रही थी, मम्मा कहती कि क्या करवाया, हनी तो इतनी भरी भी लगाई, फिर भी मम्मा कह रही थी कि इतने कम क्यों लगवाई है, थोड़ा अच्छा करके तो लगा, और मुझे पता नहीं कि उतनी ज़्यादा नहीं पसंद, मुझे ये भी मोर देन इनफ होती है। और बस ये देखिए मेरी मेहंदी की डिज़ाइन, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मेहंदी लगाई नहीं लगाई, मेरी मेहंदी और हनी की मेहंदी आपको कैसी लगी। और यहाँ पे होता है दिन एंड, और हम चलते हैं घर चांद रात पे, और देखते हैं हम घर जाके क्या करते हैं, आप लोग तो मेरे साथ ही हैं। और देखिए यहाँ पे मैं घर आ गई हूँ, अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, होता है ना कि जब भी आप घर आते हैं तो फिर मेहंदी ज़्यादा अच्छी लगती है। और टाइम देखिए यहाँ पे 3 हो रहे हैं, बहुत लेट हो गया था आते आते, आज दफ़ा लाइक इस दफ़ा तो हम फिर भी जल्दी आए हैं, आपको मैं क्या बताऊँ, 4-5 भी हो जाते हैं कभी कभी। और फिर जो है ना आपको मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे सफाई और रहती थी, और उसने शाम को मेरा रूम साफ़ नहीं किया था, तो बेचारे ने अभी रूम साफ़ किया, क्योंकि चांद रात थी ना तो वो भी बाहर थोड़ा सा घूमने गया हुआ था। तो बस मैं वापस आई तो इतनी मज़े की स्पैगेटी इफ्तार में बनी थी, उस टाइम तो मैं इतनी नहीं खा पाई, फिर मैंने कहा कि ये खा लेती हूँ, क्योंकि बाहर से भी हमने बस सिर्फ शावरमा खाया था, वो भी बहुत देर पहले, तो भूख तो लगती है ना आपको पता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मामा मैं और हनी जो है स्पैगेटीज़ भी खा रहे थे, और साथ में व्लॉग्स भी इंजॉय कर रहे थे, तो ये बस छोटी मोटी हमारी हो रही थी, बस थोड़ी देर के बाद हमने ईद की तैयारी करना स्टार्ट कर दी।